देखो एक प्रॉब्लम सबको होता है कि जब वो नया नया पीसी या फिर लैपटॉप में खेलता है तो FPS ड्रॉप उनका बहुत होता है। फिर उन्हें लगता है भाई FPS मेरा ड्रॉप हो रहा है। और जिनके अच्छे पीसी है वो भी उनका भी होता है, और जिसके लो एंड पीसी है या फिर लैपटॉप है उनका भी होता है। तो कहते हैं यार मेरे पीसी में प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से मेरा FPS ड्रॉप होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस परफेक्ट सेटिंग आप बना लोगे तो आपका FPS थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से FPS आप बढ़ा सकते हैं। और अच्छी आप पीछे देख सकते हो मेरा जो गेम चल रहा है उसमें मेरा FPS 100 प्लस आ रहे हैं। तो चलते हैं, फिर मैं चलता हूँ आपको लेकर, मैं अपना गेम प्ले गेम ऑन कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से FPS फिक्स होगा। और मैं खेलता हूँ एक्चुअली ब्लू स्टैक 4 में, तो ब्लू स्टैक 4 को मैं ऑन कर लेता हूँ। 4 या 5 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रो दोस्तों। और जिस तरह से है कि मतलब ऐसा नहीं कि 4 में खेलोगे या फिर 5 में खेलोगे तो आपका FPS लो आएंगे या फिर ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों में खेल सकते हो। अभी मैं देखो गेम ऑन कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, मतलब देखो कि क्या होता है, क्यों मेरा FPS कितना आता है, सब लाइव चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। Oh man, एंड I should have सॉरी, finished those deep fried chicken wings from last देख रहे हो night. टाइम, देख लो I'm भाई, सुबह starving. 4:29 में मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, सुबह 4 बजे। Oh man, I तो should have finished those मैं deep सोच fried सोच में chicken wings जल्दी from जल्दी last बना लेने के night. लिए, ठीक है ना। I'm मैं आपको starving. ट्रेनिंग में लेके चलता हूँ उसके बाद। अरे ये भाई की आईडी से है, मैं ऑन अभी Free देख Fire सकते हो India? मेरा FPS कितना आ रहा है, 60-65 के लमसम में आ रहा है। और मैं बस एक क्लिक करूँगा और मेरा FPS देखना इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं आपको गन वगैरह ले लेता हूँ, देख सकते हो मेरा 90 या 85-80 के लमसम में FPS है अभी फ़िलहाल। तो अब देखो मैं एक बटन दबाऊंगा और किस तरह से मेरा FPS डायरेक्ट सीधा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ और अब देखो दोस्तों मेरा FPS 100 प्लस, तब 100 चढ़ भी नहीं रहे थे, अब सीधा 100 ही चढ़ रहे हैं, 160-150 देख सकते हो। और ऐसा नहीं, देखो गेम प्ले में कभी मेरे को माउस घुमाने में या फिर ये उधर करने में कहीं भी इंक्रीज मतलब लैग जैसा दिखेंगे। जितना ज़्यादा FPS जैसे कि आएंगे ना ब्रो उतने बढ़िया गेम प्ले होगा आपका। तो मैं शुरू से बताता हूँ कि FPS आप इंक्रीज़ करोगे कैसे, ठीक है ना। मैं बाहर आ जाऊँ, पहले आप मेरा ब्लू स्टैक की सेटिंग देख लो, ठीक है। इंजन देखो, मैं CPU का हाई पे रख रहा हूँ, मेरी PC मतलब मीडियम है, इतना भी नहीं है, नॉर्मली काम हो जाता है। मेरा अच्छा खासा PC है इसलिए मैं हाई पे रख रखा हूँ, अगर आपका मीडियम है तो 2 पे रख सकते हो या फिर कस्टमाइज करके आप 3 पे भी रख सकते हो, मैं हाई पे रखता हूँ इसलिए हाई पे खेलूँगा। रैम भी मेरा हाई है, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस पे रखना है, ग्राफिक्स रेंडर ओपन जीएल पे, इस पर अच्छी खासी FPS आपको मिल जाएंगी। डायरेक्ट एक से बेटर रहेगा कि आप इस पर ही खेलो, गेम प्ले करो। और GPU जिस 5 में एक्चुअली टिक रहते हैं, ठीक है ना, 5 में आपको ये टिक ही मिलेगा, हमेशा लगा हुआ ही रहेगा, और 4 में आप खेलोगे तो ये टिक लगा हुआ नहीं रहेगा। तो मैं बता दूंगा कि वो किस तरह से लगाने हैं, इससे भी FPS बहुत बढ़िया पकड़ते हैं क्योंकि ये सीधा ग्राफिक्स कार्ड पे भी चला जाता है लोड, ठीक है। जिसमें ग्राफिक्स कार्ड है वो टिक लगा कर रखना, और जिसमें नहीं है तो वो मत लगाना टिक। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब देख लो, इनेबल हाई फ्रेम रेट, अगर इसे आप ऑफ़ कर दोगे तो ये आपको 60 का ही FPS देगा, बट आपको इसे ऑन रखना है ताकि आप 240 मैक्स FPS का इस्तेमाल कर पाओ। एक्चुअली पूरे पूरी 240 नहीं मिलेंगे, फिर भी 150 के ऊपर मिल जाएंगे आपको FPS, कभी कभी 200 देख सकते हो, अभी मेरा 200 के लमसम पहुँच जा रहा है। और डिस्प्ले FPS को भी आप ऑन रखना है, ऑटो डिस्प्ले में जो आपका डिस्प्ले रेजुलेशन रहेगा ना उसी पे खेलना है। एक्चुअली मेरा ज़्यादा है फिर भी मैं कम करके खेलता हूँ, 1280 पे खेलता हूँ, मेरा 90, 20 एंड 1080p है फिर भी, ठीक है ना। और आपका ये DPI 240 है, जो ही 240 ही रख के खेलना अगर FPS लो आए तो, ठीक है ना।
बाकी आप जिस पे खेलना चाहते हो, मैं इस पे, इस पे दोनों पे खेल लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ कभी भी। परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको परफॉर्मेंस में करना है तो ये देखो, FPS फिर भी अगर ड्रॉप आएंगे तो मैं बाद में, ठीक है ना। देख लो आसूस रॉग 2, ये है मेरा डिवाइस को मैं सेट कर रखा हूँ ताकि FPS सबसे ऊपर आएंगे। आपका होगा सैमसंग ऐसा कुछ होगा, गूगल पिक्सल, तो आपको आसूस रॉग 2 कर लेना है। नेटवर्क आपका जो बेटर रहेगा वो कर लेना। ओके सेव, अच्छा कट गया, सॉरी, कोई ना, मैं तो सेटिंग बता रहा हूँ, आ जाओ सेटिंग देख लेते हैं। ऐसा और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस पे जो बुलस्टैक 4 है उसमें इस पे कैसे टिक लगाते हैं, GPU सेटिंग को ऑन कैसे करते हैं, मतलब ग्राफिक्स कार्ड पे करते कैसे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं, कहाँ गया GPU सेटिंग को। तो आपको टाइप हेयर टू सर्च पे आपको लिखना है रेजिरेट, ठीक है ना। देखो रेजिडेट आ जाएगा, रेजिडेट को ऑन करना है। अच्छा ये फाइल खुली हुई है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ किस तरह से करनी है। देख लो हाँ, ये लोकल मशीन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे आ जाना है। सॉफ्टवेयर के आने के बाद ब्लू स्टैक पे आ जाना है, उसके बाद कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग बटन पे, कॉन्फ़िग पे आप आ जाओगे। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है ना। यहाँ पर वो ऑप्शन को ढूंढना है, कहाँ गया, हाँ ये फोर्स, देख लो GPU है ना, जो फोर्स डिकेडेड GPU, इस पर डबल क्लिक करोगे आपका ये ज़ीरो रहेगा। जब भी ये ज़ीरो रहेगा तो वो टिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको 0 से 1 कर लेना है ताकि आपका जो गेम है वो ग्राफिक्स कार्ड पे चला जाए, जिसकी वजह से आपको FPS मिल पाए, ठीक है। और इसे ओके दबा देना है, ठीक है। और दूसरा जो है, जो सबसे ज़रूरी है, आपको BS ट्विकर का इस्तेमाल करना है गेम खेलने के लिए, ठीक है। देखो मैं BS ट्विकर मेरा ऑन है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको अगर इसे मतलब पता नहीं है कि आप किस तरह से इसे डाउनलोड, आपको अगर आपको पता नहीं है कि BS ट्विकर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं वो आपको डाउनलोड करके नॉर्मली बता देता हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे भाई। BS ट्विकर, ठीक है, BS ट्विकर को आपको सर्च करना है, ये पहला ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। और नेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्या मेरा, नहीं, ठीक है। और आपको ये वाला फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका डाउनलोड होने लगेगा। अरे नहीं हो रहा, चलो ये क्या है भाई, चलो डाउनलोड 2 पे, देखिए दो वाले पे डाउनलोड 2 पे क्लिक करना है। आप दोनों में से किसी एक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, मेरा एक्चुअली है मेरे पास, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो आपका जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल तो करना आता ही होगा ब्रो। BS स्पीकर इंस्टॉल करने के बाद एक बार फुल स्टॉप BS कर देना है, फिर फोर्स स्किल BS कर देना है, उसके बाद जब हो जाएंगे तो स्टार्ट BS पे क्लिक कर देना है, बस। और कुछ नहीं भाई, FPS इंक्रीज अभी आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। जब गेम ऑन करना है पहले गेम को ऑन कर देना है, और देख सकते हो दोस्तों मेरा FPS 170, 195, भाई देखो 200 तक FPS चले जा रहे हैं। आपको ये वाली सेटिंग खास करके ऑन रखनी है दोस्तों, ये वाली सेटिंग, इनेबल हाई फ्रेम रेट्स, ये वाली सेटिंग को आपको 240 ही रखना है, जिसकी वजह से आपके FPS बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वाली FPS या फिर बदलना चाहते हो, कुछ और लगाना चाहते हो, तो दिक्कत हो जाएंगे भाई FPS। अगर इसे अगर 90 पे या 60 पे करके रखोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएंगे, FPS आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये GPU वाली सेटिंग आपको बता ही दिया हूँ, रेजी रेट पे अगर फिर भी आपका FPS नहीं आए तो यहाँ देखिए सेटिंग में जाना है, एंड आपको मिल जाएगा वो, कहाँ गया, नोटिफिकेशन, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में एक ऑप्शन को आपको ढूंढना है, मैं ढूंढ कर दिखाता हूँ आपको कौन सी बटन को ऑन करना है। हाँ शो विजुअल फीडबैक्स, फीडबैक फॉर टाइप, इस पर क्लिक करके सेव कर देना है। अब देखो FPS ए वाले क्लिक करने से ना आपका FPS और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, मेरे 240 में 262, देखो इतना प्लस हो जाएगा, जिसका मतलब कम आते हैं ना उसमें बहुत बढ़ जाएंगे। फीडबैक को ऑन करने पर जिसका कम आता है, जिसका ये सारे सेटिंग करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो वो आप इसको सेटिंग, इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो।
इससे यही है कि स्किन पे थोड़ा सा डाउट मतलब डॉट जैसा एक निशान पड़ जाएंगे आपको, बट उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, पर FPS आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसे ऑन नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को FPS मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं FPS, इसलिए मैं इसे ऑन कभी नहीं करता। देख सकते हो 230 तक मेरा चला जा रहा है, बताओ 240 मैक्स है, 237 पहुँच जा रहा है। तो आप लोग भी इसे आराम से कर सकते हो ब्रो, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पूरी वीडियो अगर ठीक से देखोगे, डोंट स्किप किए हुए, बिना स्किप किए हुए, तो आराम से कर सकते हो भाई। और आप चाहे तो पीछे भी करके देख सकते हो कि कोई ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और नहीं तो आप सीधा मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सुबह के भाई अभी 4:30 से प्लस हो गए हैं, तो फिलहाल तो मेरे को नींद भी आ रही है, तो आज के लिए बस इतना ही बता पाऊंगा। और बाकी के बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर सकते हो, और मैं इसे बंद कर देता हूँ ब्रो, क्योंकि मेरे को ऐसे ही मैक्स FPS में मतलब बेटा खेल, डाउट आ जाता है तो मैं खेल नहीं पाता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्रो।